देश का मैनी लेनिनग्राफ बेगूसराय एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इसका कारण ये है कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और इसको लेकर एनडीए ने एक बार फिर से जहां गिरिराज सिंह पर स्थानीय सांसद के प्रत्याशी के रूप में जहां भरोसा किया है, वहीं महागठबंधन ने सीपीआई से अवधेश राय को लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जोरदार कांटे की टक्कर की यहाँ लड़ाई होगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए इस वक्त हम आए हुए हैं बेगूसराय के रेलवे स्टेशन समीप वॉकिंग ग्राउंड में। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, युवा भी हैं, सारे लोग इस वक्त मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और सुबह के इस वक्त 6 बजने चले। हम इन तमाम बिंदुओं पर इन तमाम लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि सर 5 साल हो चुका है बेगूसराय में एक सांसद ने एनडीए ने सांसद को उतारा है और मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार, तो क्या कुछ विकास हुआ? देखिए, विकास जितना हुआ है इतना विकास जिंदगी में कभी नहीं होता। बेगूसराय को कोई बर्बाद किया है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी बर्बाद किया है। आज फर्टिलाइजर बंद हो या कुछ भी बंद हो, सारा देन कम्युनिस्ट पार्टी का है जो आज बेगूसराय यहाँ पर आ गया है। गिरिराज सिंह आए हैं तो कम से कम हिंदुत्व जगा है, या हिंदुत्व की भावना खत्म हो गई थी। आज जो है कुछ दिन के अंदर जो आपका ग्राफ आ रहा है, हिंदू का पॉपुलेशन 20% हो रहा है, मुस्लिम का पॉपुलेशन 50% हो रहा है। आज 10-20 साल के बाद आप ये मुस्लिम कंट्री रहेगी। अगर बीजेपी यहाँ से हट गया तो यहाँ मुस्लिम कंट्री बन के रहेगी और हम लोग उस मुस्लिम के नीचे दबे हुए रहेंगे। स्थानीय सांसद ने क्या कुछ विकास? स्थानीय सांसद ने यहाँ बहुत कुछ दिया है, जो आप खाली वो बोल देना कटवा मीस फटवा मीस से काम नहीं चलता है। यहाँ का सांसद ने क्या नहीं दिया, किसको दिखाने पड़ रहा है विकास? आज कौन लेबर है जिसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है? कौन लेबर जो खाने की कमी है, खेत में काम करता है, खुशहाल है, ताश खेलता है, काम उसके पास इतना है कि काम करना नहीं चाहता है, मोटरसाइकिल से घूमता है। देखिए बेगूसराय में पेट्रोल का खपत, बेगूसराय में देखिए गाड़ी का खपत, बेगूसराय में एक भी भूखे हुए मरते हुए किसी को देखे हैं आप? बेगूसराय के रोड पर एक भी आदमी भूखे नहीं मर रहा है, सब आदमी खुशहाल है और ये एनडीए सरकार की देन है। कम्युनिस्ट पार्टी अगर यहाँ आता है तो बेगूसराय का ये दुर्भाग्य होगा। इसलिए सब मिलकर एनडीए को जिताइए, गिरिराज सिंह को जिताइए, मोदी को जिताइए और 400 के पार कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये लोग विकास की चर्चा कर रहे हैं तो उसी तरह हम भी विकास के मुद्दों पर एक बार फिर जो यहाँ लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में यहाँ के सांसद भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या कुछ विकास हुआ है? आप हमारे सारे मित्र बहुत उत्साहित हैं मोदी मोदी करने में। गिरिराज सिंह यहाँ मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री रहे हैं। शायद किन्हीं मित्रों को मालूम होगा जो गिरिराज कर रहे हैं कि किस विभाग के मंत्री थे। हमें मालूम है कि एक बार पशुपालन बने, दूसरा बार ग्रामीण विकास में कोई मंत्री बने, और उस दोनों विभाग में आप बेगूसराय के किसी जगह पर जाके देख लीजिए, पशुपालन मंत्री बनने के बाद बेगूसराय जिला का एक पशु चिकित्सालय है उसकी स्थिति जाके देख लीजिए, किसी भी गांव में देख लीजिए कि मंत्री भारत सरकार के मंत्री है गिरिराज। और क्या कर दिया कि पशुपालन में किसी गांव में पशुपालन का जितने भी हॉस्पिटल हैं, किसी हॉस्पिटल का सुचारू रूप से उसमें दवा हो, मवेशी का इलाज हो रहा हो, किसी किसान को पशु खरीदने के लिए कोई व्यवस्था हो गया हो। तो इस तरह से स्थिति आपने देखा कि जिस विभाग का वो मंत्री रहा उस मंत्री में भी, उस विभाग में भी कोई तरह का कार्य नहीं हुआ। ग्रामीण विकास के मंत्री बनने के बाद भी इसी तरह का कोई भी बात नहीं हुआ। तो इसीलिए जिस विभाग का मंत्री रहने के बाद भी आप बेगूसराय के स्तर पर देख सकते हैं, स्थानीय स्तर पर आपने देख लिया कि जितने भी रोड में आप चले जाइए, एक भी नगर निगम के क्षेत्र में एक भी रोड देख लीजिए, एक भी सड़क देख लीजिए, बिजली पानी की व्यवस्था देख लीजिए, नाला की व्यवस्था देख लीजिए। स्थानीय स्तर पर तो विभिन्न तरह के भी रोजगार, ये कोई विकास का नजर ही नहीं आता है। विकास हमने आपको पहले भी कहा कि विकास की 2 पैमाना है, विकास अमीरों का हो रहा है और गरीबों का नाश हो रहा है। अभी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की बात बहुत उछल रहे हैं लोग, मोदी है तो देश है। अरे आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर जाइएगा, विदेश नीति को आप देखिएगा, तो देश के चारों तरफ विदेश नीति में ये 0 हो गया। विकास का दर, जो विकासशील देशों का टैग था हमारा भारत में, वह विकासशील देशों के टैग को भी हटा दिया गया। ये विकास हो रहा है यहाँ पर इस देश में। आप देखिएगा विदेश नीति पर आइए, और सुरक्षा पर बहुत जोर से लोग हल्ला करते हैं। आप देखिएगा कि श्रीलंका में चीन का वहां पर अपना एयरबेस बना लिया,
श्रीलंका से हमारा एक छोटे से देश श्रीलंका से भी हमारा ट्यूनिंग नहीं बैठा, राजनीतिक हमारा वहाँ भी खराब हो गया, विदेश नीति वहाँ भी खराब हो गया, चीन से विदेश नीति खराब ही था, चीन ने हमारे जमीन को दखल कर लिया, देश के प्रधानमंत्री 56 इंची का सीना वाला क्या कर रहा है, उसे चीन से कहाँ ले रहा है और कहेगा प्रधानमंत्री तो गारंटी दे रहे। अरे गारंटी तो वही है जो जिस बात में प्रधानमंत्री ने गारंटी दिया वह झूठ की गारंटी है, वह निश्चित तौर पर जाएगा। वह पहली बार आए थे तो कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, देख लिया आपने, गारंटी दिया था 2 करोड़ रोजगार का, पर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और 10 सालों में आप जोड़ लीजिए 20 करोड़ रोजगार होता, कहाँ चला गया रोजगार। बाद में उसने कहा कि ये सब जुमला है, 15 लाख खाता में देने की बात कहा, जुमला है। तो जितने भी बात आज तक प्रधानमंत्री ने कहा सारा का सारा झूठ कहा, और उसी प्रधानमंत्री का एक टैग गिरिराज सिंह है, और गिरिराज सिंह आके यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम ये दिखावे कि जातिवाद करके, अभी दूसरे पार्टी को कहते हैं जातिवादी पार्टी है, वो अपने आप को भूमियार कहते हैं, और भूमियार में भी क्यों कहते हैं, बेगूसराय क्यों चुनाव लड़ने भूमियार मांगे, बेगूसराय में बीजेपी के लोग नहीं थे, एनडीए के लोग बीजेपी बेगूसराय में नहीं थे, वो बेगूसराय इसलिए आए कि भूमियारों की संख्या यहाँ ज़्यादा है इसलिए हम भूमियार का नेता बनेंगे। और उस भूमियार में भी वो क्या कहते हैं कि हम सांडिल हैं, हमको सांडिल वाला सब वोट करेगा। तो इस तरह से जातिवाद के भी उन्माद में वो लगा हुआ है, धर्म के उन्माद में भी लगा हुआ है। क्या बेगूसराय आज नेतृत्व विहीन हो गया कि बेगूसराय का कोई लड़का, बेगूसराय का कोई नौजवान खड़ा नहीं हो सकता है? बीजेपी में एक से एक कद्दावर लोग थे, वो सारे लोग अभी ज्वाइन किए थे, उसमें से कोई हो जाते। आज राकेश सिन्हा के माँ बहन की गाली देता है, ऐसे सांसद को क्या बेगूसराय के लोग पसंद करेंगे कि एक बेगूसराय के स्थानीय लोगों को, उसी के पार्टी के लोगों को माँ बहन की गाली देता है? और वैसे सांसद को अगर कोई बाबाई कर रहे हैं तो हम वैसे लोगों के साफ खिलाफ हैं, और वैसे लोगों को यहाँ पर जवाब दिया जाएगा, और इस बार निश्चित तौर पर उसको यहाँ से हरा कर बेगूसराय की जनता बेगूसराय के अस्मिता के लिए काम करेगी। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप सर इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, जिस तरह से सियासी पारा हाई होता जा रहा है, विकास की योजनाओं पर बट्टा की बात लोग बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? विकास तो दिख रहा है चारों ओर, और देश का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। तो हम समझते हैं कि अभी वकील साहब ने जिन बातों को रखा, मैं उससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। गिरिराज बाबू जो हमारे अभी सांसद के रूप में निवर्तमान सांसद रहे हैं और अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका पठन पाठन बेगूसराय में ही हुआ है, उनका यहाँ ननिहाल है और वे सब दिन बेगूसराय से ही जुड़े रहे हैं। तो टिकट उनका मिलना ये कोई मतलब नहीं रखता, मतलब तो रखता है, वो भी बेगूसराय के ही बेटा कहे जाएंगे, और बगल में उनका बढ़िया घर है, वो बेगूसराय की सारी बातों को जानते हैं और बेगूसराय के विकास में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। जहाँ तक बात है विपक्ष की, और हमारे तो अवधेश राय जो अभी उम्मीदवार हैं, वो हम लोगों से काफ़ी करीबी रहे और हम उन्हें पसंद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक व्यक्ति के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक समय था जब बेगूसराय में 7ों विधानसभा में लाल झंडा ही था और हम लोग सब लोग उनको जिता के भेजे थे, लेकिन विकास जब से रुका है बेगूसराय का, तो जब वो लोग आए उसके बाद ही विकास रुका, विकास की गति कमज़ोर हो गई बेगूसराय की। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है बेगूसराय में विकास हुआ है, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि गिरिराज सिंह अगर जीत कर जाते हैं तो फिर बेगूसराय का झंडा पूरे देश में लहराएंगे और हमारा बेगूसराय विकास करेगा। बिल्कुल, गिरिराज सिंह अगर फिर से जीतते हैं तो विकास की जो तस्वीर है वो और बेहतर दिखेगी, ये इन लोगों का मानना है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, आप इन चीज़ों को कैसे देखें? विकास तो हुआ है, जो आदमी जो कहेंगे विकास नहीं हो तो दिखाई पड़ रहा है, इतना ओवर ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, और विपक्षी तो अपना, विपक्षी में तो कोई दमे नहीं है, विपक्षी में कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर इसका ही पता नहीं है, तो विपक्षी कहाँ है ये पर खाली बतावे। युवा रोजगार मांग रहा है, युवा शिक्षा के मुद्दे पर विश्वविद्यालय रोजगार जिसको मिलना था, इतना बड़ा जनसंख्या में कुछ आदमी को तो रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार कैसे मिलेगा, जनसंख्या इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, इसका क्या उपाय? साधन है ही नहीं आपके पास जनसंख्या रोकने का। जो आदमी मैंने क्वालिफाइड होंगे वो अपना नौकरी लेंगे, नहीं तो अपना घर बैठेंगे, यही कर सकते हैं। केवल नौकरी करने से ही थोड़े विकास होगा, खेती करें फिर कारखाना में काम करें, विकास तो हो ही रहा है। और हम सबसे हमको ये बताया जाए कि विपक्षी में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, किनको
चुना जाए। इस बार मूड क्या बना है स्थानीय तौर पर? मूड यही है कि हम लोग बीजेपी को 400 पार करवाएंगे। कुछ और भी युवा है, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप इन चीजों को कैसे देखते हैं, कितना चौतरफा विकास हुआ है स्थानीय तौर पर और देश लेवल पर भी। हम यही कहना चाहेंगे, अगर यहाँ पर विकास होता तो बरसों से बेगूसराय के एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप किसी से पूछिए एक मीडिया कर्मी होने के नाते कि क्या बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा नहीं यहाँ विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। फिर क्या रो रहा है रास्ते में, 10 साल से मोदी का शासन है, यहाँ खुद केंद्रीय मंत्री विराजमान है, राज्यसभा के सांसद हैं, सदर में विधायक हैं, सब कुछ होते हुए यहाँ डिग्री को दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन रहा है? आप लोगों ने मिला भी है उनसे? कई बार मिला है, हमने तो बोला गिरिराज सिंह मांग, फिर क्या हुआ? गिरिराज सिंह मांग पत्र फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया। मोदी जी नया शिक्षा नीति लेकर आए हैं और नया शिक्षा नीति में साफ कह दिया गया है कि विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए हम फंड नहीं देंगे, विश्वविद्यालय अपना फंड कुछ खुद इकट्ठा करे, हम विश्वविद्यालय को लोन देंगे। तो वो लोन का पैसा कौन चुकाएगा? उस लोन का पैसा इस देश का गरीब छात्र चुकाएगा, फीस बढ़ेगा। आज देखिए पीजी करने के लिए क्या स्थिति हो रहा है, 25 से 30 हज़ार रुपया लग रहा है पीजी करने में, फीस इतना हाई हो गया है, गरीब के बच्चे आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। देश में दोहरी शिक्षा नीति है, अमीरों के बच्चे के लिए कारपेट लगा हुआ विद्यालय है, गरीबों के टूटी फूटी बिल्डिंग वाला सरकारी विद्यालय है। तो ये जो असमानता है, जब तक ये असमानता दूर नहीं होगा विकास का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पुल पुलिया बना देना विकास नहीं है, विकास का मतलब है कि आप देश के नागरिक पर शिक्षा में कितना खर्च कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य में कितना खर्च कर रहे हैं, देश में कितनी आज़ादी है, देश में कितनी लोकतंत्र बाकी है, ये विकास का मतलब है। स्थानीय जो आपके निवर्तमान सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री, उनका दावा है कि कई बंद कल कारखाने जो है सो यहाँ ओपन हुए हैं और पूरा बेगूसराय को अब रोजगार वहाँ मिलने जा रहा है। कहीं बंद कारखाने यहाँ के जनता के आंदोलनों के वजह से, यहाँ के संघर्षों के वजह से खुल रहे हैं, और वो भी खुलने में बहुत समय लग रहा है, जिस तरह से युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए नहीं हो रहा है। आज देखिए यहाँ एयरपोर्ट का मांग था, एयरपोर्ट चला गया दरभंगा, गिरिराज जी देखते रह गए, बहुत बड़े ये भाजपा के बड़े नेता है, देखते रह गए, दरभंगा चला गया। कहते हैं अभी एक साथी हमारे बोल रहे थे, गिरिराज सिंह बेगूसराय से जुड़े हुए हैं, इनका आत्मा यहाँ बसता है, तो उस समय जब एयरपोर्ट दरभंगा जा रहा था उस समय इनकी आत्मा कहाँ मर गई थी, उस समय इनके मुंह से एक पार्लियामेंट में चू शब्द तक नहीं निकला। क्यों नहीं ये पार्लियामेंट में धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए कि हम एयरपोर्ट को दरभंगा जाने नहीं देंगे, एयरपोर्ट बेगूसराय में खुलेगा, तब न मानते ये विकास कर रहे हैं। पुल को लेकर इस बार खूब सियासत हो रही है, सामो पुल काफी चर्चा में आ रहा है, क्या लगता है? देखिए आज 5 साल हो गया है सामो पुल का, लेकिन अभी तक एक ईंट तक वहाँ नहीं रखा गया है, क्रेडिट लेने की लड़ाई है। रोड़ा कहाँ है? रोड़ा कहाँ पड़ा? रोड़ा है जब तक NDA की सरकार नहीं हटेगी, ये शुद्ध रूप से कमीशन की सरकार है, चंदा दो धंधा लो। इलेक्ट्रोल बोर्ड में देखिए 30 ऐसी कंपनी है जो 100 करोड़ 200 करोड़ घाटे में चल रही है, 200 करोड़ घाटे में चल रही कंपनी मोदी को 300 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है, तो इसकी जांच नहीं हो रही है। लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं को ED CBI का डर दिखाकर तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, और जो लोग टूट नहीं रहे उसको जेल में भेज दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो NDA के पूंजीपति लोग हैं उनकी ED CBI जाँच नहीं कर रही है, जो विपक्ष के लोग हैं उन पर हमलावर है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, सर इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और स्थानीय लेवल पर और देश लेवल पर आप क्या मन बनाए हुए हैं? स्थानीय मुद्दा तो देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर उसका धीरे धीरे समाधान हो रहा है और हम अगर कंपेरिजन करते हैं पिछले जो भी सरकार रही और पिछले जो भी शासन में रहे उनकी क्या उपलब्धियाँ रही, वो किस ढंग से सरकार को चलाए, तो निश्चित लगता है कि उनसे तो ये बेटर ही चल रहा है। आज सड़क की जाल हो गई है, ओवर ब्रिज बन गया है, रेलवे स्टेशन में रखरखाव जो है बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य विभाग में आप जाइए हॉस्पिटल में दवाई अवेलेबल है, डॉक्टर अवेलेबल है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, MBBS का जो है बहुत सारे कॉलेज नए नए खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज खुल रहे हैं, तो आप ओवरनाइट चाहिएगा कि एकदम से चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता है। पूंजीपति वाले बच्चे जो हैं वो हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं अभी भी जर्जर भवन में पढ़ने को बेबस हैं।
इसमें ऐसा है सर, देखिए सरकार जो है जो जो एक सिस्टम बनाती है उसमें एक आरक्षण का प्रावधान है गरीब बच्चों के लिए, और जो मेरिटोरियस हैं जो उसमें कम्पीट करके आते हैं उनका एडमिशन अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब प्राइवेट कॉलेज में ही जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी उनके आरक्षित सीट हैं, उनमें वो बच्चे जाते हैं। इस बार जातीय जनगणना करवाई गई बिहार में, उसका कितना फ़ायदा इस चुनाव में देखने को मिल सकता है? जातीय जनगणना का आधार ही गलत था, ये आधार ही गलत है। हम चाहते हैं कि समाज एकजुट होकर हमारी जो भी समस्या है उसके साथ जो है हम लड़ें, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनके सामने रखें। लेकिन ये जो पार्टियां हैं वो उनका ध्येय क्या है? वो नहीं चाहते हैं कि हम एकजुट हों, वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे इस तरह से जो है ये विखंडित कर रहे हैं समाज को, इससे कि हमारी एकता जो है कहीं ना कहीं खतरे में है। बिल्कुल, जाति पाति और हिंदू मुस्लिम से विकास संभव नहीं है, विकास संभव है तो मुद्दों को आगे निरंतर रूप से समीक्षा कर कार्य करने से संभव है। ऐसे में बेगूसराय के मतदाताओं ने अपना अपना मूड बता दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में यहाँ के सिंहासन पर जनता किसे काबिज करती है। बेगूसराय से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन राम कुमार के साथ जीवेश।